नमस्कार, ऑल इंडिया आंगन बड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। एक बड़ी अपडेट आ रही है, मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रेस विज्ञप्ति है, आपकी स्क्रीन के सामने हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ये जारी किया गया है, प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को मुख्यमंत्री ने तोहफा दिया है, ऐसा लिखा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है, क्यों? क्योंकि इस समय जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऐसी खबरें आना। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जो है सरकार ने कुछ कहा है, उसको समझते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय जनसंपर्क कोषांग द्वारा ये जारी हुई है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को मुख्यमंत्री ने तोहफा दिया है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी, इस तरीके का आश्वासन मिला है। हड़ताल अवधि में चयन मुक्त की गई 10,203 सेविका एवं 8,016 सहायिकाओं, वापसी होगी इनकी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है, नीतीश सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला है। आपको बता दें, लोक संवाद कार्यक्रम हुआ था, बिहार राज्य के आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं के शिष्टमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात भी की। इस कार्यक्रम में आपको बता दें, सीएम का एक बड़ा ऐलान है, एक मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। शिष्टाचार मुलाकात के क्रम में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने अपनी समस्याएँ सीएम के समक्ष रखी थी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की समस्याओं को सुनने के बाद कहा है कि राज्य में आंगनबाड़ी सेवाओं में बेहतरी के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय में समय समय पर वृद्धि की जाती रही है। सीएम ने कहा है कि आप बहने जो मांग की है, उसके आधार पर आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी। अब यहाँ पर सीएम द्वारा कोई भी क्लियर नहीं किया गया कि न्यूनतम मानदेय कितना कर सकते हैं या फिर वृद्धि कितनी की जाएगी, इसके बारे में स्पष्टता जो है मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, इसमें स्पष्ट नहीं बताया गया है। लेकिन एक बात कही गई है कि हम जो है जल्दी मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। इसी के साथ ही सेविकाओं एवं सहायिकाएं हड़ताल अवधि में जो चयन मुक्त की गई थी, उनको भी वापसी बहाल किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा फैसला है, क्योंकि नहीं तो बहुत सारा संघर्ष और करना पड़ता। तो ऐसे में जो है ये बड़ा फैसला है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। इसी के साथ ही वित्त एवं कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी, समाज कल्याण विभाग के सचिव जो है प्रेम सिंह मीणा, इसी के साथ ही मुख्यमंत्री के जो है सचिव अनुपम कुमार, सामाजिक बाल विकास सेवाएं के निदेशक जो है कौशल किशोर इस मौके पर उपस्थित रहे। चलिए दूसरी खबर जान लेते हैं। मकर संक्रांति को लेकर मध्य प्रदेश में जो है अपडेट निकल कर आ रही है, मध्य प्रदेश शासन की ओर से कुछ फैसला किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव ने, आपको बता दें मोहन यादव ने निर्देश जारी किए हैं मकर संक्रांति को लेकर। मकर संक्रांति पर्व के दौरान कई आयोजन किए जाएंगे और सीएम जो है मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अवैध बाल संरक्षण गृहों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एक बड़ी अपडेट है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में बहनों के खातों में 10 जनवरी को राशि जमा की जाएगी। इसी के साथ ही जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उक्त कार्यक्रम की कार्य योजना बनाने को लेकर अधिकारियों से कहा गया है। ये हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है संबोधन कर रहे हैं। इंदौर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में युवा संवाद, मकर संक्रांति और लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन के संबंध में तैयारियों की बैठक ली गई और इस अवसर पर इंदौर से जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट और भोपाल से मुख्य सचिव बीरा राणा सहित जो सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सीएम ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में बहनों के खातों में 10 जनवरी को राशि अंतरित कर दी जाएगी। पूरे प्रदेश में 10 से 15 जनवरी तक जो है विभिन्न कार्यक्रम जो है आयोजित की जाएंगी। साथ ही जो है मकर संक्रांति पर्व के दौरान भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बता दें युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। युवा दिवस यानी कि स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है, तो इस दिन को युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस जो है कार्यक्रम की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप 10 से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण पर जो है आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी के दौरान आत्मनिर्भर और भी तमाम प्रकार की जानकारियां भी दी जाएंगी, वहीं रोजगार आधारित भी कार्यक्रम होंगे। इसी के साथ ही युवा दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में युवाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन विशेष आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश की ओर से बड़ी अपडेट है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर मोहन यादव का इस तरीके का आदेश जारी किया गया है।
स्वामी विवेकानंद के विचारों को, उनके सांस्कृतिक अवदानों के बारे में चर्चाएं होंगी। अब यहाँ पर बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को भी इस कार्यक्रम में लगाया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें 10 जनवरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन जो है, जो पहले चर्चा चल रही थी कि सीएम बदल गए हैं, तो ऐसे में जो तत्कालीन सीएम थे शिवराज सिंह, तो उनकी द्वारा चालू की गई योजना को बंद कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ है, इससे स्पष्ट होता है। इसी के साथ ही जो है मकर संक्रांति एवं जो है परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्पष्ट तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को यह निर्देश जारी किए गए हैं। एक और बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में ही जो है 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी अपडेट है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है ऐसा इन्होंने क्या किया, इस कारण से इनके ऊपर कार्रवाई हुई है, वो समझते हैं। दरअसल आपको बता दें संभागायुक्त भोपाल ने बाल गृह आंचल के अवैध संचालन में लापरवाही पर महिला बाल विकास विभाग के 3 अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है और सस्पेंड किया गया है। ग्राम तारा सेवनिया जिला भोपाल में संचालित ऑयल आंचल जो है चिल्ड्रन होम के संबंध में जिला प्रशासन के द्वारा जांच की गई और जांच में पाया गया कि संस्था किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 आदर्श नियम 2016 के मापदंडों के अनुसार संचालन होना जो है नहीं पाया गया। इस कारण से जो है यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। वहीं आपको बता दें यूपी चलते हैं, यूपी के गोरखपुर में आपको बता दें शीतलहर के कारण प्राथमिक विद्यालयों का अवकाश घोषित किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिनव कुमार मिश्रा ने अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे हैं उनको बंद करने के भी आदेश हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा लाभार्थियों के घर राशन पहुंचाने की बात कही गई है। इसके अलावा जो भी शासकीय कार्य होंगे उसे आंगनबाड़ी सहायिकाएं यथावत जारी रखेंगे। वहीं सर्दी और शीतलहर को देखते हुए जनपद जालौन से भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। जालौन के BSA चंद्र प्रकाश ने जो है एक आदेश जारी किया है और एक संशोधित आदेश है, कार्यालय आदेश जारी किया गया है। चंद्र प्रकाश जिला विशेष शिक्षा अधिकारी जो है इनकी ओर से आदेश जारी किया गया। स्पष्ट कहा गया है कि DM के निर्देश पर यानी जिलाधिकारी के आदेशानुसार मौसम में व्याप्त ठंड एवं गलन को दृष्टिगत रखते हुए जालौन जनपद के समस्त शासकीय अशासकीय मान्यता प्राप्त वित्तविहीन CBSE ICSE एवं अन्य बोर्डों के विद्यालय कक्षा 9 से 8 तक 8 जनवरी से 13 जनवरी तक पूर्णतया बंद रखे जाएंगे। आदेश का अनुपालन न करने वाले विद्यालय संचालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ ऐसे विद्यालय होते हैं जिनको आदेश मिलने के बावजूद ही विद्यालय को खोले रखते हैं, तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर एक लाइन डाली गई है, कहा गया है BSA चंद्र प्रकाश के द्वारा कि जो विद्यालय नियम विरुद्ध पाए जाएंगे और स्कूल खोलते पाए जाते हैं तो ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।